भैया आज हम आप परम आदरणीय बड़का भैया अभिमन्यु यादव के देख रेख में हरिओम म्यूजिक से अपन जो गीत दे रहा बाटी ये बड़ा दुलार प्यार भैया का एकरे पहले भी बहुत काफी दिन पहले आए हरि भैया के स्टूडियो में गीत देवे लेकिन तब से दुर्भाग्य रहल कि ना ही पहुंच पैली भैया के बड़ा और रहना भी मिला एलिए क्षमा चाहब। और आज हम एक ऐसे वीर की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान भालचंद के रूप में ऐसे वीर को कभी कभी धरती पर भेजते हैं। द्वापर में लोग दानवीर कर्ण का नाम सुना करते थे लेकिन आज धीर धरती पर साक्षात दानवीर कर्ण को उस भालचंद के रूप में देखा गया। चार लाइन भूमिका है। कैसा पकर सारा जीवन जो निस्वार्थ में सच्चा इतिहास रच कर जहां से चला जो कि जन जन का प्यारा दुलारा रहा दर्द हर दिल में भर कर जहां से चला अस्त आदित्य गौरव का हो ही गया भूधरा पर तिमिर जाल गम का बिछाए चंद्रिका चू रही थी तिलक भाल से किस दिशा में गए की गगन में समाए जितनी गाथा गाई जाए कम है। सो कर उठा जवान तो गरीबों का फिकर लिए और सोया तो फिकर लेते लेते सोया। आज संत कबीर नगर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की जनता एक नेता नहीं बल्कि अपना जननायक होया है। आज मैं जनता से अपील करता हूं कि जो अपना जननायक होने का हृदय में गम है टीस है उसके लिए कवि ने एक संदेश लिखा है और वह संदेश है सांत्वना संदेश भाव है। भैया यही इस धरती का अटल सत्य है बाबा कि जिंदगी ये किराए का घर है। जिंदगी ये किराए का घर है इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जे तरह से किरायादार भाड़े के मकान लेके रहला जब मालिक चाहला तो कहला कि भैया खाली कर दा अब हमके खुद जरूरत बा। वही तरह से इस शरीर एक किराए के मकान बा इसमें बैठा इंसान एक दिन जब इसका मालिक बुलाएगा तो इसको खाली कर देना पड़ेगा। उसे यही दुनिया की रीति है और इस संसार का यही अटल सत्य है। अगली कड़ी में भाव है। मौत जिस दिन बुलावा करेगी मौत जिस दिन बुलावा करेगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत
हम जिस दान पुरुष के विषय में हमने बताया अभी तक उसका जीवन परिचय क्या है, जरा यह जाने नजम से भाव। संत कबीर नगर भगत की अहिरानी में सजायक गुलशन राम सहायक अगुआनी में माता जानकी का दामन भरा फूलों से, माता जानकी का दामन भरा फूलों से आंगन गुलजार हुआ कुदरत के वसूलों से। संत कबीर नगर जिला में एक गांव जो ने गांव का नाम बा भक्ता, पूरे संत कबीर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में भालचंद यादव का भक्ता गांव मशहूर है जो लोगों के जुबा पर है। उसी गांव में एक मध्यम परिवार यादव परिवार, मुखिया का नाम राम सहाय और पत्नी का नाम जानकी, चार बेटे हुए भालचंद, लालचंद, उसके बाद कृष्णचंद, सबसे छोटा भाई बिरंदर। लेकिन जब धीरे 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 चारों भाई कुछ बड़ा हुए तो चारों भाइयों में सबसे होनहार भालचंद यादव, जिसके रग रग में इनकलाब बसा हुआ था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उसके बचपन की ये रीति थी। तो कहल गई चारों भाइयों में भालचंद दुलारा था, चारों भाइयों में भालचंद दुलारा था, कुश्ती कला में जिनका चमकता सितारा था। अखाड़े के बहुत निपुण पहलवान भालचंद, लेकिन धीरे 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 जब उम्र बढ़ती गई पहलवानी में बहादुर का सितारा चमका तो धीरे धीरे रुझान राजनीति की ओर बढ़ने लगी और गांव के स्कूल से निकल करके जब खलीलाबाद राम निवास हीरा लाल इंटर कॉलेज में दाखिला लिए तब का भाव निकल गई। कि कोरी कहा तरिया सासु दहिया जमावली अमृत नावली जोर नवा राधा हो कांधा मन मोह भाव लिखल गई कि धीरे धीरे बबुआ सयान हो गई पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर गई नेता भैल ते समैया भैया हो नैया लगी है किनार नेता भैल खलीलाबाद राम निवास हीरा लाल इंटर कॉलेज में जब दाखिला लिए तो अखाड़े की सियासत से निकल करके राजनीति की सियासत में जब कदम रखे तो कुछ ही दिनों के बाद छात्र संघ का चुनाव लड़े और अध्यक्ष हुए। एक दिन बड़ा संजोग बढ़िया था कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी और माननीय मुलायम सिंह का आगमन संत कबीर नगर के भक्ता में होने वाला था।
संचालन का काम भालचंद जी को सौंप दिया गया, जो राम निवास हीरा लाल इंटर कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष था। जब संचालन करने लगा बहादुर, तो मुलायम सिंह देखे तो देखते ही रह गए कि ये तो आगे चल करके बहुत बड़ा नेता बनेगा। और उन्हें कैले कहा तम कि 98 में अइले लोकसभा के चुनौआ, सब ही लगाव अपन घूमी घूमी दौआ, अरे हार गईल चुनावी लड़ैया भैया हो नैया लगी है किनार, हार गईल चुनावी लड़ैया उन्नीस सौ 97 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने तब संत कभी नगर जिला नहीं था जिला सचिव पद पर नियुक्त कर दिए। कुछ ही दिनों के बाद जब जिला सचिव पद की सीट रिक्त हुई तो संत कबीर नगर जिला का बंटवारा हुआ और जिला अध्यक्ष चुन लिए गए। सन 98 जब आयल है तो पहली बार लोकसभा का चुनाव माननीय भालचंद यादव जी लड़े और मात्र 2100 वोट से हार गए। सन 99 आते आते लोकसभा की सीट संत कबीर नगर से रिक्त हुई और पुनः जब उपचुनाव हुआ तो बहुत भारी मतों से भालचंद लोकसभा का चुनाव जीत करके अपने हार का बदला लिया और जनता सबसे बड़ी न्याय पंचायत हिंदुस्तान की दिल्ली में भेज करके अपना नेता चुन लिया। लेकिन भइल का आगे भैया, तर्ज वही बा कि अरे डूबी मर जाऊ, कि अरे डूबी मर बे राजा जय बजब पूर्व के देसवा, लेकिन है गीतिया सुना ये बाबू, वही चुनावी लहर के दौरान चुनाव हारे थे नेताजी और एक दिन कुछ ब्राह्मण समाज के लोग सांसद जी के पास आए, भालचंद जी के पास आए और बोले कि हम लोग रामलीला करावत है, मुख्य अतिथि आप हवा, कार्ड दे के चल गई ना, जेब में पैसा नहीं बा। हरिहरपुर से एक व्यवसायी के बुला के कहला कि भैया रे आज एठे रामलीला में मुख्य अतिथि है जाए के बा, पैसा तो नहीं बा, एक काम करा कुछ पैसा हमके दे दा और समवा के आ के डेरी फरमवा पर से जब मेटरवा उठा ले जाइया, बड़का भैया न जाने पावा नहीं तो बिगड़ जाइए। 14,000 रुपया दिया व्यवसायी और यह दान भी रामलीला में पहुंचा और 11,000 रुपया निकाल करके दान कर दिया, 3,000 रुपया अपने साथियों में बांट करके खाली हाथ घर चला आया। सुबह जब उनकी आंख खुलती थी तो गरीबों का मजदूरों का मदद करने वाला बहादुर बैठ करके देखता था कि अभी 50 लोग 100 लोग हमारे दरवाजे पर गरीब मजदूर और बेसहारा लोग आए कि नहीं। जब लोग आ जाते थे तो बारे नेता भगवान इस धरती पर ऐसे भालचंद को कभी कभी भेजते हैं भैया, जब अपने वो रूम से निकले तो गरीब मजदूरों के सामने बाबू जयराम, जयराम बाबू और कहा कैसे हवा का तुहार मदद कर दे, आपन आपन लोग मजबूरी जब सुना दे, रुपए की गड्डी जेब से निकालता था बहादुर तो जिसको 500 रुपए की जरूरत है 1,000 रुपया देता, 5,000 रुपया देता और पता लगा कि आधे घंटे में
एक लाख डेढ़ लाख रुपया कालचंद ने उड़ा दिया, यह प्रतिदिन का उनका काम बन गया। भैया हो पुनः जब सन 99 आयल, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में पहुंचे और जब वापस आए पहला मंच लगा जब खलीलाबाद में उनका भाषण था और यही कहे कि मेरे संत कबीर नगर की जनता, आप लोग जो मुझे ताकत दिया है, बल दिया है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्याय पंचायत ने भेजा है, यह मत समझना कि भालचंद चुनाव जीता और बैठ गया। कहां से पैसा आता है, कहां से कौन सा काम होता है, यह समझने में मुझे 4 महीने से 6 महीने लगेगा। उसके बाद संत कबीर नगर की एक नई तस्वीर होगी, यह मेरा वादा है। और आज संत कबीर नगर का पहचान बन गए भालचंद यादव, तो कहना है तर जो है जैसन की आप बजौला हो कि अरे डूबी मर वही राजू जई बजब पूर्व के देशवा धनक भा कि अरे सांसद सपा से भैल चमकल ने तगिरी बाबू सपा से भैल चमकल ने तगिरी आए बाबू सन 2004 में जब फिर लोकसभा का चुनाव आया, पहली बार मुलाकात हुई, कभी देखा नहीं था, दिल में एक लालसा थी कि एक बार उस भालचंद को देख लूं जिसका पूर्वांचल के लोग चर्चा करते हैं। और जब पहली बार देखा तो ये बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और मैं कुशल तिवारी सपा से जो प्रत्याशी थे मैं उनके प्रचार में था। और एक गांव में जब मुलाकात हुई तो भालचंद का यह वक्तव्य रहल, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ लोगन हाथ मिलाओ, चाहे जे प्रचार करावे रुपया खूब कमा लेकिन वोट दीह तब सांसद हम हो। और जब मैं भालचंद को देखा तो गाड़ी से तुरंत पुनः उतर गया और कहा कि अब मैं इनके खिलाफ प्रचार कर ही नहीं सकता, छोड़ करके वापस आ गया। लेकिन जब 2004 का चुनाव आयल है तब का भैल भैया कि 2004 आयल एमपी के चुनाव नेता जनता के वोट पर राज करती है लेकिन भालचंद बार नायक जननायक जनता के दिलों पर राज किया उन्होंने। 2004 आयल एमपी के चुनाव भैला भैया जनता का सपोर्ट मिलल सांसद दोबारा भइल अरे गरीबन का मसीहा राजनीति का पुजारी बाबू सांसद सपा से भैला
चमकल नेता गिरी आए बाबू एक बहुत बड़ा पृथक इन्होंने तोड़ा कि संत कबीर नगर और बस्ती की जनता कहती थी कि जे एक बार सांसद हो गईल वो दोबारा फिर संत कबीर नगर या बस्ती के सांसद नहीं भइल। उस पृथक को भालचंद ने तोड़ दिया। लेकिन कबीर जी लिखत हमें कि द्वापर का दानी कर्णवीर कंचन रोज लुटाता था, भालचंद कलजुग का दानी भूखों का भूख मिटाता था। लगता था दरबार सुबह गरीब पास में आते थे, भालचंद बैरागी पट्टा पैसा खूब लुटाते थे। परेशानी मत सही है भालचंद के रहते, जब तक भालचंद हमें तब तक जवन भी मुसीबत हो भालचंद के कपारे पर दे दिया हम झेले के तैयार हैं। ई भालचंद के बाणी रहल। लेकिन टले नहीं विधि का विधान, यह समय का ताना बाना है। संसार किस धरती शोभा है पर समय का लगा निशाना है। बहुत खुशहाल जिंदगी बीतल, फिर दोबारा जब चुनाव आया तो उसी चुनाव के दौरान वो चुनाव हार गए तीसरी बार। लेकिन उसी चुनाव के दौरान एक दिन घूमते घूमते कहां पहुंचे, बखीरा मेहदावल की उस तलहटी में एक गांव पड़ता है सिमरिया। एक विकलांग बालक आया और कहा कि एमपी साहब बहुत गरीब हैं, अगर एक कुछ रुपया मिल जाए तो एक हम साइकिल खरीद लेती। एमपी साहब सर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बाबू साइकिल तुहके क्या पैसा में आई? कहा कि 4,000 रुपया में। सांसद साहब 40,000 रुपया निकाल करके दे दिए। वह समझा कि भूल से पैसवा हमके दे दे हला है। सुबेरवा के ये बाबू 36,000 रुपया डेरिया पर ले आये, वापस करे के देखला कि जनता के हुजूम लगल बा, गरीबन में पैसा बांटत हुआ भालचंद। एक किनारे बैठ गई लड़कवा, जब भीड़ कुछ कम भइल हाथ में रुपयवा लेके पहुंचल, कहला कि एमपी साहब आप पैसवा हमके ज्यादे दे लनी है। 40,000 रुपया दे दिली हमके साइकिलिया, 4,000 में आई, 36,000 रुपया रख ली। बाहर दानवीर भालचंद कहे ए बाबू हर चीज पर भगवान जिसके अंश का होता है उसी का नाम लिखे होते हैं, इस 40,000 रुपया पर तुहार नाम लिखल हमर दे ले जा। लेकिन बाबू हो ऐसा दानवीर इस धरती पे कोई कोई होता है, गरीब लोग कहला कि जेकर केहू नहीं होला ओकर भगवान होला। लेकिन सवाल उठाला कि भगवान रहना कैसे आ कैसन होई है। निश्चित तौर से जे भालचंद के जानत होई उ ई कह दे कि भालचंद भगवान भालचंद की तरह से हुई है, कि हमें कोनो शंका नहीं बा। लेकिन बाबू हो समय का बाण लगा बहादुर को और घायल अवस्था में कहां पहुंचे, हरियाणा के वेदांता अस्पताल में। तो वहां भाव लिखल गए भैया, कवि जी लिखत हव ऐसे दानवीर के तो जुग जुग या धरती पर रहे के चाहिए, लेकिन शायद भगवान भुला के भेज दिल हम भालचंद के धरती पर। लिखल गईल कि काहे गोसैया कोहाए गईल हीरावा से, काहे गोसैया हीरावा से, काहे गोसैया हेरा हाय गईला हीरावा से, नेताजी बीमार भइल विधाना की चाल में, नेताजी बीमार भइल विधाना की चाल में
बाबा जी बीमार भइल विधाना के चाल में भरती करावला लोग वेदांत अस्पताल सगरो बदनिया बेधाए गईले पीरावा बेधाए गईले पीरावा से कहे के गोसाइया कोहाए गईले पीरावा से वेदांता में लोग भर्ती करवाए। एमपी साहब स्वस्थ हुए, डॉक्टर साहब बोले कि अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन एक दिन रुक करके और दिखला दीजिए, चेकअप हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। बाबू फिर लोग अस्पताल में जब ले गए हैं नेताजी के दिखावे के लिए, बेड मिलल, चार नर्सें जो जब तक बीमार थे तब तक सेवा की, सामने जब वो चारों नर्सें पड़ी, अपने लड़का सुबोध से कहना कि बाबू सुबोध कुछ रुपया बचल हो का बेटा तो बतावा। सुबोध जी कहे कि बाबू जी 40,000 रुपया बचल हो। कहना ये चारों नर्स जोन बाटी ये हमार बड़ा सेवा कैली है, बाप के तरह जैसे लोग अपने बाप को सेवा कराला वही तरह से चारों नर्स हमार सेवा कैली है बेटा, 10,000 रुपया ये चारों लड़किन की बांट दा। सुबोध जी पैसा देने लगे, जब चारों नर्स से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाबूजी हमारा हमारी नौकरी चली जाएगी, हम पैसा नहीं ले सकते। सुबोध जी कहे कि वह जिद किए हुए हैं और आप पैसा ले लीजिए। चारों नर्सें भाग कर गई सीएमओ साहब के पास और बोली कि जो एमपी साहब संत कबीर नगर से आए हैं, पैसा देने पर अड़े हुए हैं, आप क्या कहते हैं। कुर्सी छोड़कर उठ गए सीएमओ साहब, बोले कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति आते हैं, लेकिन आज तक मेरे अस्पताल में ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो सोते जागते औरों की परवाह करता हो। जाओ आप लोग यह कह देना कि पैसवा हमके मिल गई। चारों नर्सें आई कि बोली बाबूजी आप जो पैसा देने के लिए कह रहे थे वो पैसा हमको मिल गया। बोले कि साबल बेटी आप लोग बहुत सेवा की हैं, बारे भगवान यह कहते तो देर रहल भइल का। कि देह को मिलाइल मुरझाई गई चेहरा छोड़ी के सुगनवा पर गईले पियारा लसिया पे लाल भरईले अधीरावा से काहे के गोसैया कोहाए गईले अधीरावा से वेदांता से जब सांसद साहब की एमपी साहब की लाश चली, पूरे वेदांता का स्टाफ बाहर आ गया और सबकी आंखें नम थी कि ऐसा दानी पुरुष आज तक हमारे अस्पताल में कोई नहीं आया था। लेकिन जब लाश लेके बाबू लोग घरे आए हैं तो वहां के भाव लिखल गई, कौन भाव, अरे ओढ़ाले कफनवा चलले भैया हो, कि अरे ओढ़ाले कफनवा चलले बाका जब जवानवा
पूर्वांचल में एक खबर आग की तरह फैल गई कि संत कबीर नगर के एमपी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके इस आजमगढ़ से पूर्व सांसद माननीय रमाकांत जी हजारों हजारों की संख्या में अपना दल बल लेकर पहुंचे। साथियों, जनता दर्शन के लिए खलीलाबाद 2 घंटा के लिए लाश रख दी गई। जनता का इतना हुजूम कि खलीलाबाद से बिड़हर घाट 39 किलोमीटर पड़ता है साथियों, लेकिन एसपी साहब रास्ता ब्लॉक कर दिए। इधर बिड़हर सारजू जी के दक्षिण में रास्ता रोक दिया गया। भीड़ कैसे काबू होगी? कहल गई, अरे कबीरा की धरतिया रोए, कबीरा की धरतिया रोए, रोए ला गगनवारा। चंद कृष्ण चंद रोवे, हर पैराम दर बीरनवराम, उला दूलिया रोवे, दूलहुन सुगनवारा। जनता का हुजूम इतना, मैं कह थाने की फोर्स लगाई गई भीड़ काबू करने के लिए। बाहर से कोई वाहन रोड पर न आने पावे, दोनों तरफ से रास्ता 39 किलोमीटर इधर और उधर रोड ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन लसिया पे गिरी के रोवली दूलिया, अरे पीटली कपार मुँह का मारी हूँ सजनावा, कीर्ति अमर कई की दुनिया से चली गईला, हम के लगौला कवनी डारी हूँ सजनावा। जल बिन मीन जैसे आ नदी बिना वारी वैसे, ओसा ही पुरुष बिना नारी हो सजनावा। लेकिन जौनी समय भैया हो, जनाजा वीर के सज के निकलल हो, ओ समय कि सज के जनाजा जब लेके लोग चले लगले, तो दुल्हिन कहलिन कि हमारे लेखे दुनिया अनारी हो सजनावा। ज्यो ज्यो जनाजा सारजू जी की तरफ एक एक कदम बढ़ रहा है बाबूजी, जनता की हुजूम लगातार बढ़ती जा रही है। कबीर जी लिखत हमें कि जिस समय धर्मधारी सपूत की लाश सारजू जी की ओर बिड़हर घाट की ओर बढ़ी, सारजू मैया आरती लेकर खड़ी हो जाती हैं। भाव टेरी में हो भैया, उतारे सरजू मैया आरती, कि अरे राम उतारे सरजू मैया आरती, वसुधा बिलख उठी अंबर भी आसुगार, उतारे सरजू मैया आरती। पापट भैया,
के पीर पीर सलामी का परमुख जी रोवे रोवे भारती भैया हो आ कैसे तो आके पाई भैया कहवा हम सूझ नहीं उपैया हो बिहार घाट पे लगी लाखों की अरे वीर वीर सलामी के हाथ चबर से फूल आंख से वीर वीर सलामी के चाहने वाले तो हजारों हैं लाखों हैं लेकिन परछाई की तरह साथ साथ चलने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम आशीष यादव ब्रह्म शंकर भारती जी आए लगत हो कि उनके लिए दुनिया अन्हार हो गई हो बस चलत तो इस साल समंदर पार से उठा ले होती भैया लेकिन कोनो उपाय नहीं बा आल्हा में भाव हो भैया संसार के अभिमन्यु भैया अटल सत्य यह हो कि सूर्य उगला तो अस्त जरूर होला लगे भैया कि अरे जवन हो सूरज गगनवा में चमके पाई के समैया बदरी में छिपी जा सब कर दूलरू आया जे गईला हो हेरा सरजू का धारा वारू काला बिहार में देवता गगन से रहा फूल बरसा संत कबीर नगर के आप एसपी महोदय अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत जगह ड्यूटी किया और बहुत से नेताओं की लाश जलवाया हमने लेकिन आज तक ऐसा जननायक नहीं देखा कि जिनकी अगुवानी में जवार नहीं ब्लॉक नहीं जिला नहीं पूर्वांचल ही उमड़ पड़ा है बाबा। डीएम साहब एसपी साहब से मशवरा लेते हैं साथियों एक कपोल बात नहीं ये पेपर रखा हूँ ये पेपर में साक्षात लिखी बात है एसपी साहब से कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये भीड़ कैसे काबू होगी कि रो एसपी साहब आ जा हीरा है रहीला साहब का है कुछ न सुहाय दनघटा का ये सोचा चतुर्वेदी रोए लगल जनता का नायक आज गईले हो हेरा कि दानी काल के खाली सुनत रहली न हुआ कलयुग का कारण भाल चंदर हला भाई कि रहला भाला चंदा सबके आखी का पुतारिया जनता के बीच रहला ज्योतिया जला सनावा के साथ ही तमी तरोवे लगल रोवल गरीब कहा जाई दा बताया बब
बाबुआ सुबोध बाबू कहीं अग्नि दानवा भैया सुबोध रहा कि दादा कल्लावारी आजा जानवा की ओरिया वेदना कहे में और गावे में बड़ा कठिन बा। गाथा उनकी कीर्ति कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कीर्ति अमर है, कीर्ति नहीं गाई जा सकती। आज हरिचंद्र का नाम सुने हैं कि सब कुछ बेच दिए, कर्णदानी का नाम सुने हैं कि मरते मरते सोना दान किया, लेकिन बारवीर मरते मरते गरीबों और मजदूरों की फिक्र करते करते आखिरी सांस लिए भालचंद। लेकिन कबीर जी लिखत हवा स्वर्ग में भी जाके अपने लोगन से एक अपील करत हवा, वो अपील काबा हो भैया बा। अरे स्वर्गवा में जाके सबके बधावे धीरवा करते जनता से अपील पूर्वांचल के बीरवा स्वर्ग से विनती करथम यार जू करथम कि भरा पूरा परिवार सम्मानित जनता के भरोसे छोड़ के आयल है आप लोग। देखिए हम कि जन जन के जन जन से ही है एक अरजी हमार हो तोर भरोसे छोड़ी आईली परिवार हो सुबोध के सिरवा करते जनता से अपील पूर्वांचल के बीरवा। ये जनता ही हमार दोनों आंख रहल, जनता के भरोसे जियत हली, जनता के बले जियत हली, लेकिन आज भरा पूरा परिवार छोड़ के आयल है तो तुहन लोग के भरोसे हो। यहाँ पर लोग न रहला ये हमरे आँखी का पुतरिया शक्ति अनुसार हम कैली खातिरदारिया अरे यतना कहते स्वर्ग से बरसावे नीरवा करते जनता से अपील पूर्वांचल के बीरवा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग बच्चे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी उतार सरजू मैया आरती रमा सर सुभाष चंद्र एम पी का रानी हार उतार सरजू मैया आरती